हेलो एवरीवन, तो आज हम हॉस्पिटल टूर करेंगे। मैं जल्दी ही मॉर्निंग में आ गई हूँ ताकि मैं सब कुछ आपको दिखा सकूँ। ये डिस्पेंसरी है जो कि बंद है अभी, क्योंकि बहुत मॉर्निंग में आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे मेनली पर्ची कटती हैं जो लोग पेशेंट्स दिखाने आते हैं। ऊपर वार्ड्स हैं पर मैं वो नहीं दिखा रही हूँ आपको। एक ये सेंट्रल लेबोरेटरी है जो कि सामने दिख रही है, यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर ही होती हैं। उसके बाद हम जाते हैं इसके अंदर जहाँ लिखा हुआ है मेडिसिन चिकित्सा बाहर रोग विभाग, जो कि सारी OPDs इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंजेक्शन रूम मिलते हैं, फीमेल एंड मेल इंजेक्शन रूम। फर्स्ट वन इज़ अ इंजेक्शन रूम मेल एंड सेकेंड वन इज़ अ फीमेल इंजेक्शन रूम। जो सामने वाला साइड का एरिया है ये पूरा मेनली पीडियाट्रिक्स पार्ट है। तो ये डायबिटीज़ क्लिनिक है, पर्टिकुलर सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स के लिए रहता है। उसके बाद फिर ये पीडियाट्रिक्स का पार्ट है, तो यहाँ पर पीडियाट्रिक का डेमो रूम भी होगा, OPD भी होगी एंड इम्यूनाइजेशन रूम भी होगा। तो मेनली चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक भी एक प्रेजेंट है एंड ये मेनली पीडियाट्रिक्स OPD है। आगे जो भी है वो डेमोन्स्ट्रेशन रूम है, जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन रूम है क्योंकि ये टीचिंग कॉलेज भी है ये, इसलिए वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन रूम में डेमो देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे वापस और उसी एरिया के अंदर ही साइड में मेडिसिन OPD वगैरह प्रेजेंट है। तो मेडिसिन OPD है, उसके बाद दो मेडिसिन OPD होने के बाद वहाँ पर एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है जहाँ मैं सबसे पहले ही पहुँच गई थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट मेरी पोस्टिंग साइकेट्रिक में ही थी तो सबसे पहले मैं वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के बाद वहाँ पर KCG रूम है एंड सामने एक स्किन एंड केयर के लिए है, मतलब डर्मा डिपार्टमेंट है। उसके बाद दो डेमोन्स्ट्रेशन रूम यहाँ पर भी प्रेजेंट है। थैंक यू।